जैसलमेर में दिखे संदिग्ध का अब तक सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने संदिग्ध का फोटो जारी किया है। शुक्रवार को ज्वेलरी की दुकान में संदिग्ध दिखाई दिया था। दुकानदार से एयरफोर्स से जुड़ी जानकारी मांगी थी। संदिग्ध ने खुद को सेना का कैप्टन बताया था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज अजमेर दौरे पर रहेंगी। यहां पर वो पुष्कर रोड पर सीवरेज प्लांट का उद्घाटन करेंगी। इसके अलावा वो कार्यकर्ताओं के बजट को लेकर बैठक लेंगी। परिवहन राज्य मंत्री बाबूलाल वर्मा दूसरे दिन केशवरायपाटन विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान वर्मा ग्राम पंचायत पर जनसुनवाई करेंगे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी उनके साथ रहेंगे। भारत में तीन तलाक पर फौरन पाबंदी लगाने की मांग जयपुर से उठी है। मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, दूल्हे के एक साल की आमदनी के बराबर मेहर की भी मांग उठी है। इसके अलावा लड़की की शादी के लिए कम से कम 18 साल की उम्र, बच्चों की सरपरस्ती में मां को पूरे अधिकार मिले। भरतपुर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव की मांग को बीजेपी ने समर्थन दिया है। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक को लेकर बनाए कानून में बदलाव के साथ ही यह तय हो जाना चाहिए कि देश में तलाक के लिए एक ही जैसा कानून है। प्रदेश के आगामी बजट से पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सूबे के उद्योगपतियों से अपना माइंडसेट बदलने की बात कही है। राजे ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश सरकार उद्योगपतियों को पूरी सुविधाएं देना चाहती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उद्योगपति भी समय पर कर देकर विकास कार्यों में अपना योगदान दें। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सुंदरलाल का कहना है कि अब सरकार से बजट लिया जाएगा। पहले एससी आयोग को सरकार से फंड नहीं मिलता था जिससे दलित सुधार में सहयोग हो सके। पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र गोयल टोंक दौरे पर रहे, जहां का प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंत्री सुरेंद्र गोयल ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर मनमानी करने और अनदेखी करने का आरोप लगाया। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम को श्रमिक मजदूर दर्शाने पर कांग्रेस ने चिंता जताई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिन्हें पूरा देश जानता है उन्हें मजदूर बताना श्रम विभाग की बहुत बड़ी गलती है। ऐसे में श्रम मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी किसान मोर्चा अपने आपके द्वार अभियान का आज से जयपुर में आगाज होगा। मोर्चे की प्रदेश स्तरीय बैठक से इसकी शुरुआत होगी। अभियान 6 से 20 फरवरी तक चलेगा। धर्मपुरी कन्या महाविद्यालय कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन में बीजेपी में गुटबाजी कुल का सामने विधायक दिया कुमारी, संसदीय सचिव जितेंद्र कोटवाल और सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बीच चल रही गुटबाजी कुल का सामने आई। भरतपुर में मंत्री कृष्णेन्द्र कौर दीपा ने अन्नपूर्णा भंडार की दुकानों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सांसद बहादुर कोहली मौजूद रहे। हर पंचायत में 2 या 3 अन्नपूर्णा की दुकानें खोली जा रही हैं, जिसमें लोगों को सस्ता सामान मिल सके। किशनगढ़ के बांदर सिंदरी में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के पीएचडी के छात्र मोहित चौहान ने आज हॉस्टल में फांसी लगा ली। छात्र ने फांसी लगाने की वजह खुदकुशी का पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच पुलिस चुकी है। जम्मू के रेनवाल मार्ग पर एक ट्रॉली और ऑल्टो कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार पवन कुमार शर्मा की मौके पर मौत हो गई और पत्नी पूजा शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गई। सामोद चेयरमैन अर्चना कुमावत भीक्षण सड़क हादसे में बाल बाल बच गई। सामोद पुलिया बाईपास पर पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिसने चेयरमैन की कार पहले से सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त ट्रॉली से टकरा गई। भरतपुर के झीलरा गांव के पास बाइक और स्कूटी की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल बाइक सवार महिला की हत्या इलाज के दौरान मौत हो गई। अलवर कृषि उपज मंडी में चोरी करते हुए लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया है। लोगों ने आरोपी को खंभे से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तरी पुलिस ने करीब 7 लाख की अवैध शराब जब्त की। आरोपी शराब की खेप ट्रक में चावल की भूसी में कट्टे में छिपा कर लेकर जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ड्राइवर और खलासी की तलाश गिरफ्तार कर लिया है। सूरत में 6 लाख की सोनोग्राफी मशीन कबाड़ बन गई है। अस्पताल में पिछले 1 साल से सोनोग्राफी करने वाले रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली है। गर्भवती महिलाओं की 28 जांच बाहर हुई है। टोंक के मालपुरा में मुस्लिम समाज की पंचायत में तुगलकी फरमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समाज से निकाले गए पार्षदों ने जिला कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही पंचों के डर से गांव छोड़ने को मजबूर होने की पीड़ा सुनाई। धौलपुर की महिलाओं ने महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से पोषाहार नहीं दिए जाने को लेकर डीएम से शिकायत की है। डीएम को सौंपे ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीडीपीओ पर लापरवाही का आरोप लगाया है और एपीओ पर जांच करने की मांग की है।
जिले के उदयपुरवाटी उपखंड कार्यालय के बाहर मड़कसास गांव की चार महिलाएं आमरण अनशन पर हैं। आरोप है कि भूमाफिया की तरफ से हड़पी गई जमीन मुक्त करवाई जाए और मारपीट करने वाले आरोपी गिरफ्तारी। जनर में एसपी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को एसपी से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन एसपी ने कार्यकर्ताओं डीवाईटी के पूर्व अध्यक्ष को मुलाकात नहीं की। इसके बाद गुस्साए कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अजमेर में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर रेल कर्मियों के विरोध और जागरण पखवाड़े का समापन हो गया। अंतिम दिन कारखाने के बाहर सभा का आयोजन किया गया। रेलवे में हड़ताल को लेकर 7 से 9 फरवरी तक वोटिंग का आह्वान किया गया। इटावा के पीपलदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रामशा योजना के तहत 24,10,000 की लागत से बने कक्षा 4 के कमरों का लोकार्पण किया गया। पीपलदा विधायक विद्याशंकर नंदुवाना ने लोकार्पण किया।